दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आज की इस वीडियो में हम रिपेयरिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी ट्रैप 2 या फिर 2.7.0 का चार्जिंग का जो पिन है जो लगाते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि टूट चुका है, आपने थंबनेल पर देखा है। तो कैसे कनेक्शन करना है, मैं आपको डायग्राम पहले दे दूंगा, उसके बाद वीडियो को शुरू करूंगा। वीडियो के कुछ क्लिप डिलीट हो चुके थे, मैंने उन क्लिप को रिकवर फिर से किया है। तो अगर आपको जानना है कि डिलीट वीडियो को कैसे रिकवर करना है, तो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है अरमान बाबू एक्स्ट्रा 2M सर्च करके। उस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि डिलीट फोटो वीडियो को कैसे रिकवर करना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी टैब 2.7.0 का जो चार्जिंग का जो चार्जर का जो डेटा केबल का जो टूट जाने पर से कैसे सजाना है, कैसे रिपेयरिंग करना है। तो ये है इसका डायग्राम, आप देख सकते होंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम किस तरह का है। वैसे इसके अंदर चार तार होते हैं, चार वायर होते हैं, तो यहाँ तीन है आप बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ आप जिस साइड में आपका ज़्यादा स्पेस होगा, देखिए इस साइड में ज़्यादा स्पेस है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, और इस साइड में कम स्पेस है। तो जिस साइड में ज़्यादा स्पेस होगा उस साइड में प्लस वाला जो आपका वायर है वो लगेगा। उसके बाद सेकेंड में जो पॉइंट होगा, उस रेड वाले जो प्लस वाला आपने जो वायर कनेक्ट किया है, जिस तरफ ज़्यादा स्पेस है उसके थोड़ा से दूर में जो दूसरे वाला पॉइंट होगा उसमें माइनस वाला, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरफ माइनस वाला कनेक्ट होगा। यानी पहले प्लस वाला लगेगा, जिस तरफ ज्यादा स्पेस होगा उस तरफ उसके किनारे माइनस वाला पॉइंट लगेगा। आपको सोल्ड करके लगाना है प्लस वाला, उसके साइड में माइनस वाला। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, आप देख रहे होंगे बोलेंगे एक ही पॉइंट है, लेकिन आपका जो पिन होगा उसमें दो पॉइंट होगा और इसमें भी दो पॉइंट है, लेकिन फोटो लेते वक्त इसमें दो पॉइंट नहीं आए, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दोनों जो है डेटा ट्रांसफर के लिए है, आप चाहे तो इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर मराना हो या फिर आप कोई मूवी वगैरह अपने फोन में मेमोरी में लेना चाहते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से, तो इस कंडीशन में आप इसे कनेक्ट करके डेटा केबल ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक है व्हाइट वाला और एक है ग्रीन वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ दो वायर है, तो दोनों में से एक ही वायर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक हिस्सा मैंने यहाँ निकाला है आपको ताकि बता सकूँ यहाँ दो पॉइंट है बोलकर। आप जिस वक्त देखेंगे तो आपको वहाँ दो पॉइंट ही दिखाई देगा, अपने जो जैक है उसके दे में या फिर जो भी बोलते हैं पिन उसके दे में दिखाई देगा। तो इस तरह ये दोनों डेटा केबल के लिए वाले हिस्से में ग्रीन लगेगा और नीचे वाले हिस्से में व्हाइट वाला लगेगा। जी हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में आपको जो है ग्रीन वाला लगाना है और उसके नीचे वाले पॉइंट में आपको वाइड वाला कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते होंगे ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी का टैब है, तो मैं सबसे पहले इसे पावर ऑन करता हूँ। देख सकते होंगे अब ये ऑन होने देते हैं, तब तक देख सकते होंगे यहाँ से किस तरह टूट फूट चुका है। तो इसी को आज हम रिपेयरिंग करेंगे पूरी तरीके से। और कैसे डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि कैसे आपको कौन सा तार कहाँ कनेक्ट करना है, यानी कौन सा वायर किस कलर का वायर कहाँ आपको कनेक्ट करना है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो देख सकते होंगे यहाँ बैटरी लो दिखा दे रहा है, यानी अपने आप ही ऑफ हुआ था, 1% बैटरी है। तो मैं इसे यहाँ पावर ऑफ कर देता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको मोबाइल रिपेयरिंग का वीडियो हिंदी में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे यूट्यूब पर जो वीडियो आपको हिंदी में नहीं मिलता वो वीडियो आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते होंगे कनेक्टर पूरी तरीके से टूट चुका है, हम किस तरह लगाएंगे आइए आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक फेविक्विक लेके आना होगा जो कि 5 रुपये वाला आप ले आना। उसके बाद आपके पास एक सोल्डिंग आयरन 20 वोल्ट का या फिर आपके पास 60 वोल्ट का जो सोल्डिंग आयरन होता है उसे ले आना, और सोल्डिंग पेस्ट, सोल्डिंग वायर बस इतना ही चाहिए जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो अब हम ये सोल्डिंग आयरन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसे हीट होने देते हैं, यानी गर्म होने देते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा जो टूटा है चार्जिंग वाला, जिसे चार्जिंग का हम लोग बोलते हैं क्या, चार्जिंग केबल, डेटा केबल वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो हम इसे यहाँ नीचे कर लेंगे टान कर, क्योंकि ये अगर लगा तो हम फिर कनेक्ट करने मुश्किल होगा। तो देख सकते होंगे यहाँ एक पॉइंट जो है पूरी तरीके से छोटा हो चुका है, यानी ये माइनस वाला पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम दे चुका हूँ, तो पता होगा कि किस वाला माइनस है, कौन सा पॉइंट माइनस, कौन सा पॉइंट प्लस है। तो यहाँ देख सकते हो मैं सबसे पहले सारे जितने भी यहाँ तार लगे हैं सबको यहाँ से रीसोल्ड करना पड़ेगा, मुझे सबको लगाना पड़ेगा फिर से। यहाँ मैं सबको सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल देता हूँ, एक एक करके सारे को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो देखिए सारे तार यहाँ से छूट चुके हैं। तो देख सकते हो सारे तार यहाँ से छूट चुके हैं, कुछ इस तरह का हो चुका है। हमें इनके सारे मुंह में सोल्डिंग पेस्ट लगा के अच्छे तरीके से सोल्ड करना है। सोल्ड करने के बाद हमें इसके देह में ये जो हमारा कनेक्टर है इसके मुंह में भी जो भी बोलते हैं जैक वगैरह जो भी है उसके मुंह में आपको थोड़ा सा सोल्डिंग वायर लेना है, पहले पेस्ट लगाना है, उसके बाद अपने सोल्डिंग के मुँह में कुछ इस तरह, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, इस तरह थोड़ा 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 लगा के थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग के जो वायर है उसे लगाना, उसके लेकर धीरे धीरे लगाना। उसी तरह आपको तार में भी कर लेना है, पेस्ट लगाना है उसके कुछ इस तरह, सोल्डिंग के पेस्ट में रखना, छू देना। मैंने यह कट नहीं किया है, अगर आपने कट किया है तो आपको लगा कर
उसके बाद देखिए किस तरह सोल्डिंग लगाना है, आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह आपको सारे पॉइंट में कर देना है, तो मैंने सारे पॉइंट में कर लेता हूँ। सो गाइस वीडियो को लाइक बहुत जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से छोटा सा इससे पतले पैकेट में मुझे मिल गया था, मैंने इसलिए ले लिया है। और मैं बड़े वाला जो पेस्ट है वो भी मंगाऊंगा ऑनलाइन में, देखूंगा अगर मिलेगा तो मंगा लूंगा, क्योंकि छोटे वाला मुश्किल है। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो इसी डायग्राम के हिसाब से, जैसा कि स्क्रीन पर भी आपको डायग्राम के स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, इसी हिसाब से हम यहाँ इन तारों को सोल्ड करेंगे। जी हाँ, इन सभी तार को उसी तरह लगाना है, सभी वायर को उसी तरह कनेक्ट करना है जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया है। तो मैं यहाँ इसे सिंपल सा पहले माइनस वाला पॉइंट सोल्ड करूंगा, उसके बाद प्लस वाला करूंगा, बाकी जो जो ग्रीन और ये जो प्लस माइनस आके देख लेना, मल्टीमीटर में आप चेक कर लेना, वरना लगाने के बाद डायरेक्ट चार्ज करके देखना। मोबाइल अगर चार्ज होता है या टैब आपका चार्ज होता है, तो बाकी के जो दो पॉइंट वो डेटा के लिए है, आप उन्हें कट कर सकते हैं। लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी कोई मूवी वगैरह आप किसी कंप्यूटर से लेना चाहते हैं अपने फोन मेमोरी में, तो आप इस डेटा केबल की मदद से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग कोई मोबाइल का तो केबल लगेगा नहीं, तो इसलिए आप इसका ले सकते हैं। चाहे तो आप इसे लगाए ना लगाए, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने सभी इसको लगा दिया है। तो देख सकते होंगे मैंने यह सभी तार को लगा दिया है, जॉइंट कर दिया है। तो अब हमें जो हमने निकाला था उसे अब लेकर आना है। देखिए मैं यहाँ लेकर आता हूँ, कुछ इस तरह लेकर आऊंगा, उसके बाद कुछ इस तरह इसे अंदर ले जाएंगे। या देखिए टूटा हुआ हिस्सा जो टूटे थे, तो जैसा कि आप देख ही सकते होंगे, तो चलिए हम इसे यहाँ लगा के आपको दिखाते हैं। तो हमें सिंपल सा इसे साइड में कुछ इस तरह देखकर दबा देना है, दबाने से ये अंदर घुस जाएगा। उसके बाद आपको इसके ऊपर फेविक्विक डाल देना है। तो चलिए हम इसे यहाँ थोड़े से अंदर दे देते हैं, जैसे देख सकते होंगे अंदर घुस रहा है, घुस जाएगा। घुसने के बाद चारों तरफ आपको फेविक्विक नहीं देना है, सिर्फ जिस साइड में आपका घुसा है उस साइड में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे, मैं फेविक्विक का मुँह तोड़ लूँगा। तोड़ने के बाद इसमें सिंपल सा इसको दबा के किसी चीज़ की मदद से रखना है, उसके बाद इसके दे में फेविक्विक डालना है। ध्यान रहे, धीरे धीरे एक एक नॉक को फेविक्विक डालना, मैंने जरा जरा धीरे से, ज़्यादा जो डालेंगे अगर इसके अंदर पैट गया तो फिर आपका टैप चार्ज ही नहीं होगा, इसलिए मुझे कमेंट करके मत बोलना फिर मेरा ज़्यादा फेविक्विक डाल दे। तो देखिए मैं इस तरह यहाँ का इसको लगा लूँगा। उसी तरह हमें सारे पीस को, जितने भी छोटे छोटे पीस हैं उन्हें लगाना है, तो चलिए हम उन्हें भी यहाँ लगा लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरफ आप देख सकते होंगे इस तरफ का टूटा हुआ है, तो चलिए हम इस तरफ भी लगाएंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले ये देख सकते होंगे ये एक बैटरी है, छोटा बैटरी। आप इसका भी अगर आपका टूट के गम चुका है, तो आप इस बैटरी को, छोटे वाले बैटरी का यूज कर सकते हैं। ये जो स्मार्ट वॉच आता है उसका बैटरी है, उससे भी आप तोड़ कर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये टूट के गमा नहीं है, तो इसी को हम देंगे। देखिए इसे पेच कैस की मदद से अंदर घुसेड़ देंगे, दबा देंगे, धीरे से दबाना है, ज़्यादा जोर मत दबा लेना, फिर ना अंदर जाएगा। जाने के बाद फिर आपका क्या होगा पता है, आपका जो भी आपने सोल्डिंग करके लगाया वो पॉइंट में लगेगा, फिर टूट जाएगा। अगर जर से टूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको दोबारा फिर से, और वो कभी भी नहीं लग सकता। तो देखिए मैं यहाँ अच्छे तरीके से फेविक्विक डाल दूंगा, ताकि हम अगर खींचे टाना करें, क्योंकि लगाएंगे जिस वक्त मोबाइल में उस वक्त तो टान के लगे दबाएंगे तो अंदर नहीं जाएगा, और जिस वक्त टान के निकालेंगे उस वक्त बाहर नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छे तरीके से कंजूसी नहीं करना, अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके पूरा फेविक्विक कुछ चाहे तो आप लगा देना, लेकिन धीरे धीरे एक साथ मत डाल देना, वरना अंदर अगर पैट गया तो लेने के आपको देने पड़ जाएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर ऐसे ही पड़ा रहा आप लेकर अपने चाहे टैप के अंदर घुसा देंगे, तो उसका कनेक्टर जो है चार्जिंग कनेक्टर वो भी उसके साथ निकल के चला आएगा बाहर, इसलिए ध्यान रखें। इसके बाद हमें एक टुकड़ा लेना है जो यहाँ का टूटा हुआ हिस्सा था, वहाँ पर हमें इस टूटे वाले हिस्से को घुसा देना है। जो भी एक छोटा सा प्लास्टिक आप कहीं से भी ले आना, आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, एक छोटा सा प्लास्टिक ले आना, लेके आके इसके अंदर देखे मोड़ देना है, इस तरह टूट जाएगा। उसके बाद आपको फिर से वहाँ पर थोड़ा सा फेविक्विक डाल देना है, तो हम यहाँ डाल देते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, इतना मेहनत कि भाई आप सोच नहीं सकते। हम वीडियो को बहुत ही मुश्किल से बनाते हैं, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो आप ज़रूर करें हमारे वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। वैसे करो ना करो मुझसे कोई लेना नहीं, आपका मर्जी, करो ना करो। तो मैंने इसे यहाँ अच्छे तरीके से लगा दिया है, इसे आपको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद का प्रोसेस, छोड़ने के बाद अब आप इससे चार्ज कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए मैं आपको चार्ज में इसे लगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले 10 मिनट यहाँ मैंने स्किप किया वीडियो को, तो देखिए मैं यहाँ इसके अंदर धीरे से घुसा दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है, तो देख सकते होंगे, तो देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा,
कनेक्ट होने के बाद। तो चलिए आपको चार्ज करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ बोर्ड के पास आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे ये है हमारा बोर्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ इसे घुसा देंगे और यहाँ देख सकते होंगे, अभी देखिए थोड़ा देर हम यहाँ रुकेंगे। तो देखिए ये चार्ज होने लग चुका है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए चार्ज हो रहा है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, पूरी तरीके से रियल है। मैंने इसे सजा दिया, रिपेयरिंग कर दिया, जैसा कि देख सकते होंगे चार्ज हो रहा है। करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने निकाल दिया, अभी देखिए ये रुक जाएगा, देखिए रुक चुका है, जैसा कि आप देख सकते होंगे। ये देखिए एक ही चार्जर, मैंने कोई चेंज वगैरह डेटा केबल नहीं किया था।